हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी की बर्फ़ी। तो आज हम आपको बताएंगे कि लौकी की बर्फ़ी किस तरह और कैसे बनाई जाती है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका। तो फ्रेंड्स, लौकी की बर्फ़ी हम ज़्यादातर नवरात्रों में या फिर फास्ट के टाइम पर खाते हैं और बनाते हैं। तो आइए, अब हम आज आपको लौकी की बर्फ़ी बनाकर दिखाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1 kg लौकी ली हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, 1/2 kg या 1 kg, जितनी भी आपको ज़रूरत हो। और सबसे पहले मैं इन्हें पील कर लूँगी। मैंने इसे इस तरह हमें पील कर लेना है। सबसे पहले मैंने इन लौकियों को वॉश कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सभी घिया को पील कर लिया है। अब हम इन्हें क्रश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को मैं इसी तरह क्रश कर लूँगी। सबसे पहले मैं बीच में से इसके 2 पार्ट बना लूँगी, क्योंकि ऐसे कैसे अगर आप कसेंगे तो कसी नहीं जाएगी, क्रश नहीं होगी आपसे ही। तो इस तरह हम 2 पार्ट बनाने के बाद इन्हें इस तरह कस लेंगे। आप किसी भी एंगल भी इसे कस सकते हैं, मियाँ क्रश में भी क्रश कर सकते हैं या मोटे उसमें भी क्रश कर सकते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी घिया को अच्छे से क्रश कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने जितनी भी घिया ली थी उसे अच्छे से पील करके क्रश कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया है और इसी में मैं अपने लौकी का सारा पानी निकाल लूँगी। तो देखिए, अब मैंने अपने लौकी को एक कपड़े में डाल लिया है। कॉटन का आपके पास जो भी कपड़ा हो उसे आप ले लीजिएगा इसी प्रकार। और इस तरह थोड़ा सा ऊपर से दबा कर और इसका सब भी सारा रस निकाल लीजिएगा। इससे आपको यह पानी इसमें जलाना, कढ़ाई में जलाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी लौकी की बर्फ़ी बहुत ही जल्दी तैयार होगी। कि मैंने ये सारा पानी अच्छे से दबा दबा के निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, यह पानी थोड़ा सा हल्का कड़वा भी होता है और आप चाहो तो इस पानी को पीना चाहो, जो लौकी के जूस में यूज़ करते हैं उसमें कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी गैस पर कढ़ाई रख दी है। तो देखिए, मैं अपनी गैस को डालूंगी, उस पर कढ़ाई रख दूँ। और फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे अब 2 चम्मच घी। तो देखिए, मैंने ये देसी घी लिया हुआ है। आप चाहो तो जैसा आपके घर में अवेलेबल है उस प्रकार का आप ले सकते हो। वैसे अगर आप देसी घी में यह मिठाई बनाओगे तो काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। और मिठाई वगैरह जब भी आप बनाओ तो उसके लिए देसी घी लोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब जो मैंने लौकी का सारा रस निकाल लिया था उसे हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे घी में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो अच्छे से आपको चारों तरफ इसे हिला हिला के फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, घी में नेचुरली काफ़ी पानी होता है, ये आपको पता है। तो अभी यह जब आप अपने घी को कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो ये और पानी छोड़ेगी। तो इसे आप थोड़ी देर के लिए इसी तरह फ्राई कर लेंगे और आप इसे लो फ्लेम पर करके इसी प्रकार इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो देखिए, मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई होने देती हूँ ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बंद करके रख दिया था ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ आ जाए और हमारी घी अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से पक चुकी हैं। कि हमारी लच्छेदार लौकी काफ़ी अच्छे तरीके से पककर तैयार हो चुकी हैं। तो इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास दूध। तो देखिए, मैंने छोटा कप दूध लिया हुआ है, यही मैं इसमें डाल दूंगी। यह बिल्कुल नॉर्मल दूध है, हमने बॉईल करके लिया हुआ है। और अब हम अपने लौकी को इसी में पका लेंगे। और फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मलाई। 1 बड़ा चम्मच मैंने मलाई का डाल दिया है। ये फ्रेश मलाई है, अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे डाल लीजिएगा, वरना बिना मलाई के भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। या फिर कंडेंस मिल्क हो तो 2 से 3 चम्मच वो डाल लीजिएगा। तो देखिए, धीरे धीरे हम इसे हिला हिला कर इसी तरह पका लेंगे। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। ये मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। तो मैं इसमें से 1/2 कटोरी ही मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि एकदम से आपको सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। और फ्रेंड्स, दूध डालने के बाद ही आप इसमें मिल्क पाउडर डाल लीजिएगा, वरना आपका मिल्क पाउडर बाद में डालेंगे तो आप सूखा सूखा फील होगा। और इस तरह यह अच्छे से इसमें दूध में और आपकी लौकी के लच्छों में अच्छे से समा जाएगा।
और आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो बस इस कंडीशन में आपको इसी तरह हिलाते ही रहना है, हिलाने से बिल्कुल नहीं रुकना है। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, आप इसे नवरात्रों में ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। बाहर का खाने से अच्छा आप घर पर ही कोई भी रेसिपी बनाकर खाते हैं तो वो अच्छा होता है फास्ट के टाइम। तो देखिए धीरे धीरे मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर डालने के बाद यह काफ़ी टाइट हो जाता है और आपकी ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनने की कंडीशन में आ जाती है। तो आपको इसी कंडीशन में इसे हिलाते रहना है ताकि जो मैंने मिल्क पाउडर इसमें यूज़ किया है वो अच्छे से पक जाए और आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो। इस पोजीशन पर आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है, वरना यह नीचे की तरफ लग जाएगी और आपकी मिठाई ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मीठा सही खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मीठा डाल सकते हो, लेकिन नेचुरली जो मिल्क पाउडर होता है उसमें भी काफ़ी मिठास होती है। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो आप मीठा बिल्कुल ना डालिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा मीठा डाल ही रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मीठा डाल देती हूँ। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी डाल दी है। तो चीनी डालने के बाद मैं फिर से इसे हिला दूँगी इसी तरह। तो चीनी डालने के बाद हमें थोड़ा इसका और ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि चीनी डालने से यह बहुत जल्दी चिपक जाता है नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह पहले में और अब में काफ़ी इसमें चेंजिंग आ चुकी है। हमारा ये डो तैयार हो चुका है। तो इसी कंडीशन में मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी ताकि इसमें चिकनाई काफ़ी अच्छी आ जाए। 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 ही चम्मच काफ़ी रहेगा और इसमें काफ़ी तरावट सी आ जाएगी, इससे आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेचुरल कलर रखना चाहो तो इसे ऐसा भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा कलर अच्छा दिखाने के लिए और आपको यह पता लगे कि ये लौकी की ही बर्फ़ी है उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा, वरना बिना फूड कलर के भी आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्वादिष्ट बनेगी। टेस्ट इसका यही रहेगा, फूड कलर से इसमें कोई टेस्ट में चेंजिंग नहीं आती है। देखिए मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है इसलिए काफ़ी ग्रीन दिखने लगी है, आप देख सकते हो। फूड कलर ये खाने वाला फूड कलर होता है, इससे आपकी मिठाई पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी असर नहीं होने वाला है, ना ही टेस्ट में और ना ही इस पर कि यह ख़राब हो जाएगी। ये खाने वाला ही फूड कलर होता है जो कि खाने में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई बता सकता है कि ये लौकी की बर्फ़ी है? बिल्कुल नेचुरली, जैसा कि हम खोआ निकालते हैं वैसे ये तैयार हो चुकी है। आपको इसी कंडीशन में अब अपनी गैस को बंद कर देना है क्योंकि यह बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो देखिए मैंने इसमें 2 बार थोड़ा थोड़ा करके फूड कलर डाल दिया और इसका काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, बिल्कुल लौकी जैसा, जैसे कि हमने लौकी ली थी वैसा ही कलर इसका आया है। और अब हम लेंगे एक तरफ एक प्लेट और प्लेट को कर लेंगे थोड़ा सा चिकना ताकि नीचे की तरफ हमारी ये मिठाई लगे नहीं। तो फ्रेंड्स, अब यह जैसी दिख रही है वैसी ठंडी होने के बाद टाइट हो जाती है, तो आपको इसे इसी कंडीशन में ऐसे ही रखना है। तो देखिए मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। तो मैंने इस प्रकार का एक प्लेट ले ली है या फिर थाली ले ली है और इसी में हम इसे डाल देंगे। तो देखिए मैंने अपनी मिठाई को इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, आप देख सकते हो। और अब मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी। तो देखिए इस तरह का मैंने प्लास्टिक का अपना इसे फैलाने के लिए ले लिया है ताकि इसे अच्छे से मैं फैला सकूँ। तो आपको इसे चारों तरफ से एक जैसी कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ। गाने से हम इसकी बाद में ही करेंगे जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी कलर में और दिखने में भी कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनी हुई है हमारी लौकी की बर्फ़ी। कोई बता सकता है ये लौकी की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है? तो फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो आपको अपनी इस घिया के पेस्ट को ठंडा ही करना है और अब हम आप अपने ही तरीके से जैसे भी चाहो वैसे इसकी मिठाई काट सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं इस पर लगाऊंगी चांदी का वर्क जिससे कि ये दिखने में काफ़ी अच्छी दिखेगी। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा।
वरना बिना वर्क के भी काफ़ी अच्छी लगेगी, स्वाद इसका वही रहेगा। ये सिर्फ मैं गार्नियर्स के लिए लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर गार्नियर्स के लिए चांदी का वर्क लगा लिया है, आप देख सकते हो। या आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ज़्यादा कम जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप लगा सकते हो। इससे बस दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी सावधानी से लगाना पड़ता है क्योंकि ये फोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता है। कि मैंने इस पर जहाँ तक अवेलेबल था वहाँ तक लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, अब नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो नवरात्रों में आप इसे या फिर कोई भी फास्ट में आप इसे बनाकर खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने से पहले मैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कटिंग आप किसी भी उसमें कर सकते हो, तो मैं इसकी आपको दो तरह की कटिंग करके दिखाऊँगी। मैं इनमें से एक पीस आपको निकाल कर भी दिखाऊँगी। इसमें से आपको एक मिठाई निकाल कर दिखाती हूँ, ये कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई। आप देख सकते हो दिखने में कितनी बढ़िया दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप अगर और गाने इसके लिए इसके ऊपर लगाना चाहो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी फास्ट में इसे खा सकते हो। जैसे गाजर का हलवा तैयार होता है, बिल्कुल वैसे ही ये बनकर तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सभी की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आप सेब कोई भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस प्रकार के काजू टाइप में इसकी सेप दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।